कल देश के 119 जिलों में वैक्सीनेशन को लेकर ड्राई रन किया गया। देश में अब किस कंपनी की वैक्सीन को मिल सकती है इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी? वैक्सीन पर ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पूरे देश की नजर रहेगी। आपको सीधे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाएंगे। राजस्थान के जयपुर, जोधपुर समेत 13 जिलों में 15 जनवरी तक रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोरोना के नए वायरस के खिलाफ लड़ाई में भारत कैसे बना नंबर वन? वैक्सीनेशन से जुड़ी, कोरोना से जुड़ी सभी अहम खबरें देखते हैं टॉप 9 शुभ वैक्सीनेशन में। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन के बाद भारत बायोटेक की स्वदेशी कंपनी कोवैक्सीन को भी इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी की सिफारिश की गई है। कोवैक्सीन को भी एक्सपर्ट कमेटी ने मंजूरी दी है। अब दोनों वैक्सीन पर DCGI आखिरी फैसला लेंगे। कोरोना वैक्सीन पर ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI डॉक्टर वीजी सोमानी आज सुबह 11 बजे मीडिया को ब्रीफ करेंगे। कोविशील्ड और कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी देने की सिफारिश के बाद DCGI जरूरी जानकारी देश के सामने रखेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ऐलान किया है कि पहले फेज में 3 करोड़ लोगों को फ्री में कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसमें 1 करोड़ हेल्थ वर्कर और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर शामिल हैं। बाकी 27 करोड़ लोगों को जुलाई तक कैसे वैक्सीन लगाई जाएगी इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। देश में कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमितों की संख्या 29 से बढ़कर 33 हो गई है। हाल ही में ब्रिटेन से गुजरात लौटे 4 लोगों में वायरस का नया रूप मिला है। इन 4 लोगों के सैंपल पुणे के वायरोलॉजी लैब भेजे गए थे। वहीं अभी 15 सैंपल की रिपोर्ट आनी बाकी है। भारत ने कोरोना के नए स्ट्रेन को आइसोलेट करने में सफलता हासिल कर ली है। भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ICMR ने ट्वीट कर बताया कि कोरोना के UK वेरिएंट को आइसोलेट कर लिया गया है। ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस के दूसरे स्ट्रेन के 33 से ज्यादा संक्रमित भारत में पाए जा चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि कोरोना वायरस दुनिया की सबसे घातक महामारी नहीं है। विश्व कोरोना से ज्यादा खतरनाक वायरस की चपेट में आ सकता है। WHO के इमरजेंसी प्रोग्राम हेड डॉक्टर माइक रायन ने कहा कि कोरोना ने सिर्फ दुनिया को नींद से जगाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में 14 जनवरी मकर संक्रांति से कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है। इसके लिए 5 जनवरी से यूपी के सभी 75 जिलों की 6-6 जगहों पर ड्राई रन किया जाएगा। इनमें 3 जगह शहरी और 3 जगह ग्रामीण इलाकों में होगी। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि वे कोरोना का टीका नहीं लगाएंगे क्योंकि उन्हें बीजेपी की वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। अखिलेश के इस बयान पर बीजेपी नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। हालांकि चारों तरफ से घिरने पर अखिलेश ने कहा कि उन्हें वैज्ञानिक की दक्षता पर पूरा भरोसा है लेकिन बीजेपी की ताली थाली वाली अवैज्ञानिक सोच पर नहीं। कोरोना वैक्सीन पर लेकर उठाए सवालों पर अखिलेश यादव ने तो सफाई दे दी लेकिन उन्हीं की पार्टी के MLC आशुतोष सिन्हा ने अपने नेता के वाहवाही में 2 कदम आगे बढ़कर बोल दिया। आशुतोष सिन्हा ने अखिलेश की वैक्सीन नहीं लेने वाले बयान के समर्थन में कहा कि हो सकता है कि ये वैक्सीन आपको नपुंसक बना दे क्योंकि बीजेपी सरकार पर भरोसा करना मुश्किल है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।